हे जगन्नाथ। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। गुस्से के समय में सब्र का एक पल दुख के हजारों पल से बचे रहने में हमारी मदद करता है। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली शुरुआत में ही आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाए। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पे ना जा रहे हो। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जो अपने से अधिक दूसरों की भलाई के विषय में सोचता है उसे कभी दुख छू नहीं पाता। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। दूसरों की छाव में खड़े होकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई बनाने के लिए हमें खुद धूप में खड़ा होना पड़ेगा। पैर छूकर आशीर्वाद लेना सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये ना दोबारा आते हैं और ना हमें दूसरा मौका देते हैं। अपनों का साथ सुबह की किरण की तरह होता है, क्योंकि जब अपने साथ देते हैं तो जीवन का हर अंधकार दूर हो जाता है। आशीर्वाद बड़ों का हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। इनकी दुआओं के साथ जीवन आसान हो जाता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको अच्छी सेहत, ढेर सारी खुशियां और कामयाबी प्रदान करें।